Hello friends, this is Sachin Engde. Once again, would like to welcome you on your YouTube channel Vastu Rachna. In this video, we are going to design the slab. In the previous video, we have calculated the load which is coming over the slab. Okay? अब डिजाइन ने क्या? हम क्या करने वाले हैं? स्टील निकालने वाले हैं. जो हमारा स्लैब है उसके अंदर कितना स्टील लगेगा वो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं डिजाइन. ओके, तो हम इस वीडियो में लेने वाला है S1 स्लैब को और उसे पूरा डिजाइन करेंगे. ओके, अभी आप देख सकते होंगे फिगर में, तो ये जो हमारा S1 स्लैब है वो हमारा कैंटिलीवर है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इट इज अ कैंटिलीवर स्लैब. ओके, अब इस स्लैब को डिजाइन करना है तो उसे हमें लगेगा उसके लिए लोड. तो लोड हमने पिछले वीडियो में ही निकाल के रखा है, विच इज 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर. एंड दिस वॉज अवर फैक्टर्ड लोड, दिस वॉज अवर फैक्टर्ड लोड. अभी क्या हमें निकालना है इस पे से बेंडिंग मोमेंट. तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है कैंटिलीवर स्लैब के लिए WL2/2. अब W है 7.5, L कैंटिलीवर स्लैब कितने मीटर बाहर निकला, 1 मीटर बाहर निकला हुआ है. एक बार आप फिगर ध्यान से देख लीजिए, अपॉन 2, तो इसका अंतर आता है 3.75 किलो न्यूटन मीटर. ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया. अभी क्या हम अभी इस बेंडिंग मोमेंट को लिमिटिंग से या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के साथ कंपेयर करने वाले हैं. हम इसे एक तो लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे, MU max. ओके, तो ये क्यों करते हैं भाई? जो स्लैब है उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने पे हमें पता चलता है ये इतना मोमेंट ले सकता है, इससे ज्यादा ये मोमेंट नहीं ले पाएगा, इसलिए उसका नाम हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रखा. बराबर है? अब जो हमने निकाला है लोड पे से हमने ये बेंडिंग मोमेंट को निकाला. बराबर है? अगर ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई, इसका मतलब हम हमारे स्लैब को डिजाइन कर सकते हैं. अगर इस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गई तो हम डिजाइन नहीं कर पाए. ओके, इसलिए एक टाइप का चेक है हमारे जो हमें बताएगा कि हम स्लैब को डिजाइन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. ओके, तो इसकी वैल्यू कहां से मिलती है? तो आपने अगर DR अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा MU max की वैल्यू के बारे में. नहीं पता तो देख लीजिए, FE 250 के लिए हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू है 0.14 FCK/BD². ओके, FE 415 के लिए हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू है 0.138 FCK/BD² और हमारे FE 500 के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू है 0.133 FCK/BD². ओके, तो अब इन तीनों में से कौन सी वैल्यू ले? तो देखिए, अगर आप देख सकते होंगे तो यहाँ पे FE 415 है. हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया गया है कि आप FE 415 ग्रेड का स्टील यूज कीजिए और M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कीजिए, यहाँ पे ही हमें दिख रहा है. तो इसीलिए हम FE 415 ग्रेड के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे. तो MU max = 0.138 FCK 20 × B. B की वैल्यू कितनी लेंगे? एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जब भी हम स्लैब को डिजाइन करेंगे, हम 1 मीटर स्पैन के लिए ही डिजाइन करेंगे. ओके, इसका मतलब जितना स्टील हमें लगने वाला है स्लैब के अंदर, ओके, वो 1 मीटर स्लैब में कितना स्टील लगने वाला है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं लूंगा 1 मीटर का मतलब 1000 mm और हमारा ये है इफेक्टिव डेप्थ. पिछले ही वीडियो में हमने निकाला कैंटिलीवर स्लैब के हमने निकाला था 80 mm, तो 80 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 17.6 किलो न्यूटन मीटर. तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये 17.6 किसकी वैल्यू है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है या फिर लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है. इसको अब आप कंपेयर कीजिए बेंडिंग मोमेंट के साथ में, जो हमने निकाला था लोड पे से. अब इसकी वैल्यू है 3.75
मैक्सिमम की वैल्यू है 17.6 मानते हैं। अब कौन ज्यादा है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब हम हमारे स्लैब को डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा लिख सकता हूं, एमयू मैक्स इज ग्रेटर देन बेंडिंग मोमेंट एंड ओके, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो आई कैन डिजाइन दिस स्लैब। ओके, अब हम हमारे मेन पॉइंट पे आने वाले हैं, विच इज एएफटी कैलकुलेशन। ओके, चलिए मैं इसे खोल देता हूं पहले। तो अभी एएफटी का फॉर्मूला क्या है? एएफटी इक्वल टू 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू बीडी ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एमयू अपॉन एफ सी के बीडी स्क्वायर। यह है हमारे एएफटी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 0.5 FCK एज यूजुअल 20, क्योंकि हम M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, इनटू B 1000। हमने क्या बोला था, B की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 1000। क्यों? क्योंकि हम हमेशा स्लैब कितने मीटर स्पैन के लिए डिजाइन करने वाले हैं? 1 मीटर स्पैन के लिए ही डिजाइन करने वाले हैं। D कितना है? 80 डिवाइडेड बाय FY की वैल्यू कितनी है? 415। पहले से बोल के रखा था कि हम कौन से ग्रेड का स्टील यूज करने वाले हैं, 415। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU की वैल्यू कितनी है? 3.75 इंटू 10^6 क्यू, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा जो है न्यूटन में ले रहे हैं, एमएम में ले रहे हैं, इसका मतलब इसे भी हम न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 3.75 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाय एफ सी के 20, बी 1000, डी 80 का स्क्वायर। बी स्क्वायर बोला ना, इसलिए 80 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कैलकुलेशन करने के बाद में आता है 135 mm². अब किसी किसी का पॉइंट में आएगा, बहुत सारे बच्चों का पॉइंट में आएगा, तो मैंने राउंड अप कर दिया है 135 mm². तो हमारा एएसटी निकल गया। अब क्या ये एएसटी हम स्लैब के अंदर आइटर डालेंगे? नहीं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप देखते होंगे कि आप क्या करते हैं, स्लैब के अंदर एक पर्टिकुलर एमएम का बार जो है उसका यूज करते हैं, जिसकी डायमीटर कुछ भी रहती है, बराबर। अब उसमें भी हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे बार रहते हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो दो बार के बीच का कितना डिस्टेंस है कभी गिना आपने? वो डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं स्पेसिंग। और वो स्पेसिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जो आप साइड पे देखते होंगे कि भाई दो बार के बीच में कुछ तो भी स्पेसिंग है, दो बार के बीच में कुछ तो भी स्पेसिंग है, हर दो बार के बीच में एक जैसी स्पेसिंग रहती है, और वो स्पेसिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम वो देखते हैं। चलिए अभी एक काम करता हूँ, मैं अपने मन से कोई भी एक बार का यूज करता हूँ। मैं सपोज देता हूँ, चलिए 8 mm के बार का यूज करता हूँ। यूजिंग 8 mm पाई, ये पाई का मतलब है डायमीटर। ओके, अब क्या यूजिंग 8 mm पाई एट कुछ तो भी mm सेंटर टू सेंटर, तो वो कुछ तो भी mm मैंने स्पेसिंग है, बराबर। तो स्पेसिंग हमें निकालना, तो कैसे निकालते हैं? तो स्पेसिंग का फॉर्मूला देख लीजिए, एरिया ऑफ वन बार अपॉन एरिया टोटल, टोटल एरिया हमने निकाला हुआ है। एक बार का एरिया कौन सा बार? 8 mm का हम बार यूज कर रहे हैं, तो उसके एक बार का एरिया कितना है? वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000। अब ये क्यों? क्योंकि हमने पहले से बोल के रखा हुआ है, हम जो स्लैब है उसको डिजाइन करने वाले हैं, पर कितने स्पैन के लिए? 1 मीटर स्पैन के लिए। ओके, तो 1 मीटर स्पैन में जो हम 8 mm के बार का यूज कर रहे हैं, वो जो 8 mm के बार है वो 1 मीटर में कितने mm सेंटर टू सेंटर पे लगने वाले हैं? समझ में आ रहा है? तो देखिए, लेट मी पुट द वैल्यू, यहाँ पे है 5/4 इंटू
आठ का स्क्वायर एरिया ऑफ वन बार इंटू थाउजेंड अपॉन टोटल एरिया 135। एंड आंसर कम्स आउट टू बी 372.33 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, अब आप बोलोगे कि भाई हमने स्पेसिंग निकाल लिया। नहीं, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है। आईएस कोड क्या बोलता है, आप इसके हिसाब से स्पेसिंग निकाल लिए पहले, और इसको अभी कंपेयर कीजिए किसके साथ में, और ये और है 3D के साथ में। अब 3D यानी क्या, 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब कितना है हमारा, 80 mm। तो इसका आंसर कितना है, 240 mm सेंटर टू सेंटर। और इसको भी कंपेयर कीजिए 300 mm सेंटर टू सेंटर के साथ। आईएस कोड बोलता है कि आप स्पेसिंग निकाल लीजिए ये फॉर्मूले से, ये आ जाएगी आपकी स्पेसिंग, या फिर ये आ जाएगी आपकी स्पेसिंग, या फिर ये है। आईएस कोड बोलता है कि इन तीनों में से जिसकी भी कम वैल्यू है उसको हम स्पेसिंग की तरह यूज करेंगे। तो मुझे लगता है सबसे कम वैल्यू 3D की है, विच इज 240 mm सेंटर टू सेंटर, समझ आ रहा है। तो हम 8 mm के बार का यूज करने वाले हैं, और दो रॉड के बीच में या फिर दो बार के बीच में कितना डिस्टेंस रहने वाला है, हर दो बार के बीच में 240 mm सेंटर टू सेंटर, एट 240 mm सेंटर टू सेंटर, समझ आया है। अभी और एक बात बता रहा हूं आपको, रह गई मेरी, आपका स्पेसिंग ये वाला जो आपने निकाला था स्पेसिंग वो आया था 372.33 एग्जैक्ट। अगर सपोज ये सबसे कम स्पेसिंग आ गई, सपोज की बात कर रहा हूँ मैं, इन तीनों में से सबसे कम स्पेसिंग इसकी आ गई, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई हर दो बार के बीच का डिस्टेंस 372.33 के बीच में रखेंगे, हर दो बार के बीच का स्पेसिंग इतना रखेंगे, आपको बहुत टीडियस जाएगा। तो क्या करते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, ध्यान में रखिए, सबसे पहले एक काम कीजिए, लास्ट की डिजिट लीजिए, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, ये तीसरी डिजिट है लास्ट की, बराबर है। पॉइंट के बाद का हमें कुछ लेना देना नहीं, पॉइंट के पहले जो है वो रही है हमारी लास्ट की डिजिट, वो क्या है, 2 है। हमें जो डिजिट है वो एक तो 0 रखना है या फिर 5 रखना है, और ऐसा कि 372 से कम आ जाए। तो मुझे लगता है अगर मैंने 370 रख दिया, 370 रख दिया तो चलेगा, 365 भी रख जाता है, पर इस वैल्यू से 372 से कम आने को होना, तो मैं इसको नियर अबाउट इक्वल टू 370 कर दिया, चलेगा। इतनी स्पेसिंग अगर ये सबसे कम आई तो आप ऐसी स्पेसिंग रखें, एक तो 0 रखेंगे लास्ट में या फिर 5 रखेंगे, और दूसरी बात है जो आपकी स्पेसिंग आई उससे थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, आई होप यहां तक समझ आया, अगर नहीं तो हम आगे भी और प्रॉब्लम लेने वाले हैं, उसके अंदर आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो भाई हमारा यहां तक टास्क हो गया। अब इसके बाद में अब हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का AST निकालना। अब आप बोलेंगे कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको मैं आपको एक फिगर के हेल्प से समझाता हूँ। तो अगर आपको दिख रही होगी, ये है हमारा स्लैब जिसका थिकनेस है 100 mm। आप बोलेंगे कि भाई 80 mm तो था, नहीं नहीं वो इफेक्टिव डेप्थ था। इफेक्टिव डेप्थ है मेन बार के सेंटर से ऊपर तक। अगर सपोज मैंने इसे मेन बार पकड़ा, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, इनको मैंने मेन बार पकड़ा, तो इसके सेंटर से ये हो गया इसका सेंटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 80 mm विच इज स्मॉल डी। और ये क्या है, विथ कवर, विथ कवर हमने 20 mm का कवर दिया था, आपको याद आ रहा होगा। तो ये हमारा टोटल डेप्थ हो गया 100 mm का स्लैब, बराबर है। अब इसमें मैंने बोला आपको कि ये इसको कंसिडर कीजिए मेन बार, ये हो गया मेन बार, और मेन बार कितने का लिया हमने, 8 mm का। ये जो AST है ये मेन AST है, बराबर है। तो ये जो रहेगा ये हमारा मेन बार का है, मेन बार रहेगा। तो ये मेन बार कितने mm का है, 8 mm का। और हर दो 8 mm के बार के बीच का डिस्टेंस 240 mm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब इसका मैं अगर सेंटर लूंगा ये बार का और ये बार का सेंटर लूंगा, ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 240 mm। ये दो बार के बीच का डिस्टेंस 240 mm,
ये दो बार के बीच का डिस्टेंस 240 एमएम, ऐसा कितने तक थ्रू ऑफ द स्पैन अभी हमने एक मीटर के लिए निकाला, पर हमारा स्पैन जितना लंबा रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। समझ आया? अब क्या ये तो हो गया हमारा मेन बार। ये नीचे का क्या है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है ये भी एक टाइप का बार ही है, ये भी एक टाइप का बार है। सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो बार है, ये जो डॉट, ये आपको बार दिख रहा है कि डॉट के फॉर्म में है, ये ऐसे आ रहे हैं। ओके, और ये जो बार है ये ऐसा है, इसके सामने ये दूसरा बार है, देखिए छुप गए तीनों के तीनों बार। इस दो बार, ये जो दो बार है, ये एक बार और इसके पीछे का ये एक बार, ये दो बार छुप गए इस बार के पीछे। तो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, वैसा ही ये स्ट्रेट लाइन है, और इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम क्या है? वो क्या करता है, आपका जो मेन बार है उसे पकड़ के रखता है, उसे पकड़ के रखता है, उसे अपने जगह पे रखता है। अब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम क्या करते हैं, एक मेक से बांध देते हैं। सपोज ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है और ये हमारा मेन बार है, तो आपको ये ऐसा दिखेगा, बराबर है? इसे हम बांध देंगे, कैसे बांधेंगे, बराबर है? इसे हम बांधेंगे बाइंडिंग वायर्स। समझ में आ गया? तो बाइंडिंग वायर से हम मेन बार को और डिस्ट्रीब्यूशन बार को दोनों को एक साथ बांधेंगे। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम क्या है, सिर्फ मेन बार को अपनी जगह पे रखने का, बराबर है? तो अगर आप ज्यादा अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा जाएगा, बराबर है? तो आपको पैसा भी खर्च नहीं करना है पर डिस्ट्रीब्यूशन बार भी देना है। तो आईएस कोड ने इसके ऊपर भी एक क्राइटेरिया दिया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आई होप डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको समझ में आ गया, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि हमारा पैसा लॉस हो जाएगा, तो हमें इसे कम से कम क्वांटिटी में रखना है। तो वो कम से कम क्वांटिटी भी कितनी होना, उसके लिए भी आईएस कोड ने हमें एक रिकमेंडेशन दिया है, वो क्या है उसे हम देखते हैं। पहले इसे मैं खोल देता हूं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग एएससी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर मैं सफिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता हूं। ओके, इसको निकालते कैसे? आईएस कोड ने बोला है अगर आप एपी 250 या फिर माइल्स, हम जिसे जिसे हम माइल्स बोलेंगे, बराबर है, इसका यूज करते होंगे तो आपको यूज करना है 0.15% ऑफ V into capital D, क्या बोला उसने, capital D, ओके, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारा ग्रॉस एरिया ही आ जाएगा। और अगर आप HYSD जिसे हम बोलेंगे AP415, AP500 ऐसे बार का यूज करते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया विच इज V into capital D। अभी क्या, अभी हमें यूज करने को बोला है AP415, पर कौन से, मेन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए उसने कुछ बोला ही नहीं हमें, तो मैं एक काम करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बार को मैं यूज करता हूं माइल स्केल। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए मैं यूज करता हूं माइल स्केल, तो माइल स्केल का कितना है 0.15% ऑफ BD। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार का एएससी मुझे निकालना है, तो इट इज 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। यहां पर लिखते हैं 0.15 divided by 100, परसेंट है ना, 100 into B, as usual कितने 1000 into D, डी कितना है 80 है या 100 है, कैपिटल डी है ये, इसका मतलब 100। यहां तक समझ में आया? ओके, तो इसकी वैल्यू आती है 150 mm square। तो ये हो गया हमारा एएससी, कौन से बार के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। तो क्या ऐसे ही देंगे, नहीं, हम वापस से कोई तो भी एमएम के बार का यूज करने वाले हैं और उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिंग में रखने वाले हैं, और वो स्पेसिंग हम कैलकुलेट करने वाले हैं जैसे हमने मेन बार के लिए यूज किया था। ओके, चलिए वैसा करते हैं। तो हमने क्या बोला था, हम कौन सा स्टील यूज करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, माइल स्टील, और माइल स्टील कितने एमएम का है, 6 एमएम का। ओके,
6 mm का माइस्टिल का बार हम यूज करते हैं, तो यहां पे लिखूंगा मैं यूजिंग 6 mm पाई, बराबर है 6 mm पाई बार एट, स्पेसिंग निकालना है, स्पेसिंग का फॉर्मूला एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 1000, तो एरिया ऑफ 1 बार, कौन से बार का यूज कर रहा हूं, 6 mm के बार का, इसका मतलब पाई बाय 4 इनटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 150 इनटू 1000 188.49। मैंने पहले बताया था ऐसा स्पेसिंग हम देंगे नहीं, क्या करेंगे उससे कम वैल्यू रखेंगे जिसके अंदर 5 आएगा लास्ट में या फिर 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या है 8 है, हमें यहाँ पे 8 नहीं होगा, हमें क्या होना है 5 या फिर 0 और इससे भी कम 188 से कम, तो मुझे लगता है इससे कम वैल्यू आएगी 185 mm, बराबर है, मैं रखता हूँ 180, चलेगा चलेगा, इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो नियर अबाउट इक्वल टू 180 mm सेंटर टू सेंटर चलेगा, थोड़ा सा और कम किया तो चलेगा, उल्टा अच्छा है, उल्टा अच्छा है। ओके नेक्स्ट, फिर आप बोलेंगे कि मैं 100 ही रखता हूँ, नहीं नहीं सभी नहीं, 180 इसलिए कि भाई थोड़ा सा स्टील, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अगर स्टील ज्यादा है थोड़ा सा तो चलेगा, वो बेयर कर लेगा, क्योंकि हम स्टील किस लिए डालते हैं, उन्होंने टेंशन स्ट्रेसेस लेने को होना, इसीलिए हम डालते हैं स्टील, बराबर है। अगर स्पेसिंग कम हो गया तो स्टील बढ़ गया ना, अगर स्पेसिंग कम हो गया तो स्टील बढ़ गया, तो उसका मतलब उसकी टेंशन स्ट्रेसेस लेने की कैपेसिटी बढ़ गई, पर ज्यादा स्टील नहीं डालेंगे क्योंकि भाई पैसा वो भी तो इम्पोर्टेंट है, ये इकोनॉमी के हिसाब से 180 mm सेंटर टू सेंटर रखेंगे। ओके, पर इसका भी क्राइटेरिया आईएस कोड क्या बोलता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार का यूज करते हैं तो एक तो ये स्पेसिंग जो हमने निकाला अभी, या फिर 5B या फिर 450 mm सेंटर टू सेंटर, इस तीनों में से जो कम वैल्यू आएगी उसे हम अडॉप्ट करें, तो इसे निकाल लेते हैं पहले 5 × D 80 which comes out to be 400 mm सेंटर टू सेंटर, तो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इस टाइम ये स्पेसिंग की वैल्यू जो हमने निकाला उसकी वैल्यू कम आई विच इज 180 mm सेंटर टू सेंटर, देखिए यहाँ पे 400 यहाँ पे 450 है, हमें क्या होना कम वैल्यू 180 mm सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 180 mm सेंटर टू सेंटर, तो ऐसे हमारा S1 स्लैब का डिजाइन हो गया। ओके, ऐसे हमारा S1 स्लैब का डिजाइन हो गया, पर भाई अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, IS कोड हमें बोलता है कि आप डिजाइन के बाद में चेक्स दीजिए, उन्होंने कुछ चेक्स भी सेटिस्फाई करने को, बहुत सारे चेक है उसमें के हम मामूली 2-4 चेक्स लेने वाले हैं और S1 स्लैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं चेक्स से। आई थिंक इसके पहले भी हमने एक चेक दिया है बेंडिंग मोमेंट का, तो नेक्स्ट चेक है चेक ड्यू टू शियर, शियर है इसका मतलब कंक्रीट में स्ट्रेसेस आने वाले हैं शियर, बराबर है, या फिर कंक्रीट में शियर होने वाला है, तो अभी सबसे पहले हम निकालेंगे शियर फोर्स, अभी शियर फोर्स निकालते कैसे, आपका कौन सा स्लैब है कैंटिलीवर स्लैब है, कैंटिलीवर स्लैब के लिए शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, VU is equal to WL by 2, W 7.5, L 1 मीटर है by 2, इसका अंतर आ रहा है 3.75 किलोन्यूटन। ओके अब क्या, अब हम निकालेंगे शियर स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, शियर फोर्स अपॉन एरिया। ओके अब शियर फोर्स हमने निकाला हुआ है 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। अब बी हमारा वैल्यू है एज यूजुअल 1000, डी इफेक्टिव डेप्थ है इसका मतलब वो है 80 mm, तो इसका आंसर आता है 0.0375 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे टाउ बी का आंसर। इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, शियर स्ट्रेसेस ऑफ कॉन्क्रीट के साथ, दैट इज टाउ सी। अब ये टाउ सी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें वापस से हमारे आईएस कोड का यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक काम कीजिए,
आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, हम आते हैं पेज नंबर 73 पे, हम आते हैं पेज नंबर 73 पे और टेबल नंबर 19 पे। ओके, यहाँ पे लगे तो लिख लेता हूं मैं, पेज 73 टेबल 19। और देखिए टेबल नंबर 19 उसका हेडिंग क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, बराबर। अब ये टाउसी निकालने के लिए देख लीजिए, आप टेबल देख लीजिए, टाउसी निकालने के लिए हमें दो बातें लगेंगी, एक लगेंगी परसेंटेज ऑफ स्टील और दूसरी लगेंगी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो आप देख सकते हैं, कॉलम नंबर 1 पे देख रहा हूँ आपको, वहां पे लिखा है 100 AS/BD, वही है हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील। और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्क्रीट ग्रेड, ये इनमें से हमें मिलेगा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की वैल्यू देखना पड़ेगा, उस पे से हमें मिलेगा टाउसी। डोंट वरी, मैं बताता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर इसके लिए पहले कॉलम का यूज करेंगे और वो बोलता है हमें परसेंटेज ऑफ स्टील निकालनी है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं हम, क्या बोला उसने, AS डिवाइडेड बाय BD इंटू 100 बराबर। AS एरिया ऑफ स्टील आपको पता है मेन बार का, मेन रेनफोर्समेंट का, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, मेन रेनफोर्समेंट आपने निकाला था 135 अपॉन बी 1000 इंटू डी, डी कितना है 80 mm इंटू 100। ओके, तो इसका आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आता है 0.16875। ओके, अब फिर से अपने आइस कोड की तरफ आइए, दिख रहा है उसके अंदर आप देख सकते होंगे कि 0.16875 वैल्यू ही नहीं है, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे टाउसी, हम इसे इंटरपोलेशन से निकालेंगे। अब ये इंटरपोलेशन क्या है, तो आप एक काम कीजिए, टेबल को ध्यान से देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टील के टेबल को ध्यान से देखिए, वहां पे दिया है 0.15, उसके बाद में कौन सी वैल्यू दी है 0.25, और जो हमारी वैल्यू है 0.16875 वो किसके तो भी बीच में आ रही है, 0.15 और 0.25 के बीच में आ रही है। तो 0.15 यहां पे लिख लेता हूं, 0.25 यहां पे लिख लेता हूं, ओके, और इन दोनों के बीच में हमारी वैल्यू कौन सी है 0.16875 बराबर। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ओके, अभी एक काम कीजिए, फिर से देखिए, हमें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट देखना है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है हमारा 20 है। अब M20 में 0.15 की वैल्यू कितनी है 0.8 और 0.25 के लिए कितनी वैल्यू है, देखिए एक बार, इट इज 0.36। इसका मतलब क्या, हमारे जो टाउसी की वैल्यू है M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए वो इसके बीच में आने वाली है, समझ रहा है। अब वो कैसे निकालें, इसे हमें देखना है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 0.36 है, यहाँ पे इतनी हाइट 0.28 है, तो क्या मुझे ये हाइट होना, 0.36 में से 0.28 माइनस कर दूंगा, वो आता है 0.08। ओके, ये हाइट, अरे यार ये भी तो हाइट मुझे निकालना है, यही हाइट मुझे निकालना है, लेट इट बी एच। अब बेस निकालते हैं ट्रायंगल का, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो कैसे आएगा, बड़े में से ये बड़े वैल्यू है, उसमें से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी, विच कम्स आउट टू बी 0.1। ओके, अब क्या ये छोटा ट्रायंगल है, इसका मुझे बेस पता होना, वो कितना आएगा 0.16875 माइनस 0.15, तो आंसर आता है 0.01875। आपको तो हाइट निकालना है, ये क्या निकाल ली, अरे भाई बड़ा ट्रायंगल निकाला, छोटा ट्रायंगल निकाला, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं मैं, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से मेरी ये हाइट निकल जाएंगी
चलिए उसे निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस यूज द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, छोटे ट्रायंगल का बेस लिया अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस लेना पड़ेगा इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की हाइट अपॉन बड़े ट्रायंगल की हाइट। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल का बेस कितना है, 0.01875 डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है 0.1 इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की हाइट, यही हाइट हमें निकालना है, लेट बी एच, तो यहां पे एच लिख दिया, अपॉन बड़े ट्रायंगल की हाइट कितना है 0.08। तो एच इज इक्वल टू हाउ मच, वो आता है 0.015। तो ये हो गया हमारा एच क्या है, हमारा आंसर नहीं निकला अब तक भाई, ये इतना ही एच है, हमें क्या होना यहां से लेके यहां तक की हाइट होना, हमने सिर्फ एच निकाला, इसका मतलब ये हाइट क्या आपको पता है, इट इज 0.28, देखिए ना 0.28 प्लस एच, इसका मतलब ये आपकी टाउ सी की वैल्यू निकल जाएगी, टाउ सी इज इक्वल टू 0.28 प्लस एच विच कम्स आउट टू बी 0.295। मुझे टाउसी की वैल्यू मिल गई, अब इस टाउसी के वैल्यू को मुझे टाउ बी से चेक करवाना है, और हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, टाउ बी की वैल्यू टाउसी के वैल्यू से छोटी रहने को, ये ड्यू टू लोड है और एक कॉन्क्रीट के खुद के स्ट्रेसेस है, जैसे पिछले बार हमने देखा था मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट उसकी वैल्यू ज्यादा होना बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेटेड से ड्यू टू वेट बराबर है, तो इसमें भी टाउबी जो है ड्यू टू लोड कैलकुलेट किया, टाउसी की वैल्यू ये खुद की कॉन्क्रीट की वैल्यू है, इसके इससे ज्यादा स्लैब के अंदर स्ट्रेसेस आने को नहीं होना, कौन से शियर स्ट्रेसेस, तो देखिए टाउबी की वैल्यू टाउसी की वैल्यू से ज्यादा है या नहीं वो देखना है हमें, और वो हिसाब से हमें एक्ट करना है। अभी आपको दिख रहा होगा टाउबी की वैल्यू टाउसी से कम है, पर अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, स्लैब है भाई, स्लैब है। आईएस कोड ने हमें और एक रिकमेंडेशन दिया है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक वैल्यू से, तो आप एक काम कीजिए, देखिए आईएस कोड को, आइए पेज नंबर 72 पे, 72 पेज नंबर टेबल नंबर 40.2.1.1 दिख रहा है, ओके आप देख रहे होंगे, फॉर सॉलिड स्लैब द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ फॉर कॉन्क्रीट शैल बी टाउसी इनटू के, अगर आप स्लैब का यूज कर रहे हैं टाउसी की वैल्यू आपने निकाला है, टाउसी की वैल्यू आपने निकाला है, टाउसी की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के से, और ये के क्या है, वेयर के हैज द वैल्यू गिवन बिलो, जहां पे के की वैल्यू इस टेबल में दी हुई है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब कितना है भाई हमारे स्लैब का डेप्थ 100 mm, 80 mm नहीं, ओवरऑल बोला उसने 100 mm बराबर है। अब आपके जो डेप्थ है स्लैब की वो देखिए, क्या 300 mm से ज्यादा है, नहीं हमारा तो 100 mm ही है, तो देखिए सबसे लास्ट में 150 और लेस, आपके स्लैब की डेप्थ 150 है, नहीं उससे कम है, हाँ आपके स्लैब की डेप्थ 150 से कम है, तो आप के की वैल्यू क्या लेंगे 1.3, कितने लेंगे आप 1.3, तो भाई आपको जो टाउसी की वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पर मैं स्लैब लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्लैब लिख लेता हूँ और स्लैब है, ये टाउसी की वैल्यू साथ ही है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के से, तो के इंटू टाउसी, तो के कितना है अभी आपने देखा 1.3 इंटू 0.295, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.383। पहले ही हमारे टाउसी की वैल्यू इससे ज्यादा थी, अब के से मल्टीप्लाई करने के बाद में और ज्यादा हो गई, इसका मतलब हमारा 100% चेक सैटिस्फाइड है, शियर में ये स्लैब फेल होने वाला नहीं है, समझ आया, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, टाउ बी इज लेस देन टाउ सी के इनटू टाउ सी, ओके देयरफॉर ओके स्लैब इज सेफ, ये हमारा एक चेक, एक और चेक हो गया,
ओके अब हमारा नेक्स्ट चेक है चेक फॉर डेप्थ। तो आप बोलेंगे डेप्थ तो हमने दिया है, उसी डेप्थ को हमें चेक करना है कि वो सफिशियंट है या नहीं है। ओके चलिए अब उसके ऊपर आते हैं चेक फॉर डेप्थ। वो जो हमारी डेप्थ थी वो अज्यूम डेप्थ थी, बराबर है, हमने कुछ तो भी अजम्पशन किया और उसके हिसाब से हमने डेप्थ दे दिया, पर वो सफिशियंट है या नहीं है वो हमें इस चेक से पता चलता है। ओके तो इसे कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए हम आएंगे हमारे आईएस कोड के पेज नंबर 38 पे फिगर नंबर 4 पे। तो अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले वीडियो में हमने इस पे ही डेप्थ निकाला था, राइट, अभी हमें चेक करना है। ओके तो एक काम कीजिए, पेज नंबर 38 पे आ गया, फिगर नंबर 4 पे भी आ गया, बराबर देख सकते होंगे वहां पे फॉर्मूला है fs इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं फॉर्मूला, fs इज इक्वल टू 0.58 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एएसटी रिक्वायर्ड अपॉन एएसटी प्रोवाइडेड, कितना उसे लगने वाला है और हमने कितना प्रोवाइड किया है, इस पे से हम fs की वैल्यू निकालते हैं। तो आप बोलेंगे AST required 135 mm square था, अगर आपको ठीक से पता हो तो AST main enforcement required कितना था और हमने कितना प्रोवाइड किया, 8 mm bar का यूज किया था, बराबर है, उससे स्पेसिंग निकाला था तो उससे स्पेसिंग कितनी आई थी हमारी 372 पर हमने उतनी नहीं लिया था, हमने लिया था 240, पता है क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया स्पेसिंग निकाला, एक इन्हें 3D और दूसरा इन्हें 300 mm, तो 3D के इसमें 240 mm का सेंटर टू सेंटर mm डिस्टेंस आया था। तो जब उसको मैंने स्पेसिंग वो हिसाब से मैंने स्पेसिंग दिया तो मेरा स्टील बढ़ गया ना थोड़ा सा, प्रूव करके बताओ कैसे, देखिए स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या था हमारे, स्पेसिंग इक्वल टू एरिया ऑफ 1 बार यानी कि पाई बाय 4 इनटू 8 mm के बार का यूज किया था अपॉन, यहां पर फॉलो करें बराबर अपॉन एएसटी टोटल। अब ये टाइम पे मुझे एएसटी ये तो रिक्वायर्ड है, इतना तो रिक्वायर्ड है, अभी फिलहाल के लिए मुझे ये टाइम पे एएसटी पता नहीं, तो एक काम करता हूं मैं स्पेसिंग 240 हमने बोला था ना 240 के हिसाब से दिया करके 8 mm बार का यूज करके, तो एएसटी मैं यहां पर रख लेता हूं, स्पेसिंग यहां पर रख लेता हूं, क्या आ जाएगा कि एएसटी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू y बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना है भाई 240 mm दिया था हमने इंटू 1000, तो इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे 209.44 mm स्क्वायर। मैंने क्या बोला था आपको स्पेसिंग कम हो गई 372, जब हमने 8 mm के बार का यूज किया तो हमारी स्पेसिंग आई 372, पर आईएस कोड ने क्या बोला कि तीन क्राइटेरिया दिए आते उसमें से कम स्पेसिंग रखो, तो कितना रखा हमने 240 mm सेंटर टू सेंटर रखा। अब उसके हिसाब से एएसटी निकाला तो वो आया एएसटी रिक्वायर्ड इतनी थी, एएसटी प्रोवाइडेड इतनी आ गई, समझ में आया, तो ऐसे निकालते हैं हम एएसटी प्रोवाइडेड। अब क्या put the value get the answer fs is equal to 0.58 into ast required 135, इतनी कंपल्सरी होना था पर हमने क्या किया स्पेसिंग कम कर दिया, स्पेसिंग कम करने के वजह से एरिया ऑफ स्टील बढ़ गया, तो कितना आ गया 209.44 हो रहा, तो आंसर कंसोल्व। मेरी एक गलती हो गई, फॉर्मूला ध्यान से देखिए क्या दिया है फॉर्मूला में 0.85 AST required, AST provided into FY दिया है, into FY दिया है, ओके तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करेक्शन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे into FY की वैल्यू कितनी है 415, तो आंसर आता है 155.15, ओके सॉरी मैंने करेक्शन कर दिया अभी यहाँ, ओके तो हमारी FS की वैल्यू थोड़ी सी बाजू में लिख लेता हूँ, FS is equal to 155.15, okay? अभी क्या
अभी मुझे परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड करना है, परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड अपॉन बी इंटू कैपिटल डी इंटू 100। पता है आपको फॉर्मूला, ओके। परसेंटेज ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड 209.44, बी 1000, बी 100, कैपिटल डी है, ओके। तो परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आता है 0.209 बराबर है। ये हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। अभी फिर से हमारे आईएस कोड पे आइए, पेज नंबर 38, फिगर नंबर 4। तो देख रहे हैं आप, यहां पे देखिए हमारी परसेंटेज ऑफ एएससी प्रोवाइडेड कितना आया 0.2। एक्स एक्सिस पे 0.2 की वैल्यू दिख रही है आपको, ओके। वो कहां पे आ रही है, 0.4 के थोड़ा सा पहले के लाइन पे दिख रही है आपको। वो लाइन सीधा ऊपर लेके चलिए, ओके। और आपने निकाला एफएस 155.15। कर्व ग्राफ पे आपको कुछ दिख रहा है, वहां पे है वैल्यू एफएस इज इक्वल टू 290, एफएस इज इक्वल टू 240, एफएस इज इक्वल टू 190, एफएस इज इक्वल टू 145। 155 का है ही नहीं, तो एक काम कीजिए थोड़ा सा इधर उधर चले जाइए। मुझे लगता है 155.15 ये 145 के पास में है, 190 के बहुत दूर है, 145 के पास में है। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ एफएस इक्वल टू 145। अब 0.2 पे एफएस 145 के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको वाई एक्सिस पे मिलने वाला है, y एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना है। आप बोलेंगे कि वहां पे वैल्यू ही नहीं है, नहीं, देखिए मैक्सिमम वैल्यू 0.2 आ रही है, 0.2 दिख रही है, तो उससे हम लेंगे एज मॉडिफिकेशन फैक्टर। और हमने क्या बोला था, इनविल की रेफरेंस रेट है अल्फा 1 और उसकी वैल्यू है 2, ओके। ऐसा ये हमने कैलकुलेट किया और हमें निकाला अल्फा 1 इज इक्वल टू 2। पिछले बार हमने अज्यूम किया था अल्फा 1 इज इक्वल टू 1.85, कुछ तो भी अज्यूम किया था। अब हमने एक्यूरेटली अल्फा 1 की वैल्यू निकाली है, ओके। अब इस पे से हम डेप्थ निकालना है, ओके। अब डेप्थ के लिए क्या फॉर्मूला है देखिए, स्पैन टू डेप्थ, ओके, इज इक्वल टू 7 और कैंटिलीवर इज इक्वल टू 20 और सिंपली सपोर्टेड एंड इज इक्वल टू 26 और कंटिन्यूअस बीम, ओके। तो यहां पे डेप्थ निकालना है, स्पैन अपॉन 7 इज इक्वल टू डेप्थ। पर भाई हमने पहले बोला था यहां पे मॉडिफिकेशन फैक्टर लगने वाला है लीजिए अल्फा 1, और इस टाइम अल्फा 1 की वैल्यू है 2 और इस टाइम अल्फा 1 की वैल्यू है 2। सो लेट अस पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द डेप्थ। स्पैन कितना है 1000, कैंटिलीवर स्लैब का स्पैन है, ठीक, कैंटिलीवर स्लैब है 1 मीटर बाहर निकला है 1000 अपॉन 7 इनटू 2 इज इक्वल, उसकी वैल्यू आती है 71.42, ओके। इतनी वैल्यू कम से कम होना, इतनी वैल्यू कम से कम होना रिक्वायर्ड, ओके। और हमने प्रोवाइड कितना किया 80 mm, डी प्रोवाइडेड इक्वल टू 80 mm, इसका मतलब डी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, डी पी इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, हेंस ओके इट इज सेफ, खत्म। यानी कि जो हमने अज्यूम किया था कि डी हम 80 mm देंगे बराबर है, पर एक्चुअल में डी इतना लगने को होना था और हमने दे दिया 80 mm, थोड़ा सा ज्यादा ही दे दिया, तो हम सेफ है, समझ में आ गया। तो ये भी चेक हमारा सेटिस्फाई होता है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब लास्ट चेक बाकी है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन।
इसके लिए हमें क्या लगता है, इसके लिए लगता है हमें स्पैन टू डेप्थ का रेशियो, स्पैन टू डेप्थ का रेशियो। अब स्पैन टू डेप्थ का रेशियो ये लगता है, पर यहां पे स्पैन टू डेप्थ रेशियो रिक्वायर्ड, और दूसरा यह है स्पैन टू डेप्थ रेशियो प्रोवाइडेड। ओके, तो स्पैन भाई 1000 रिक्वायर्ड 71 समथिंग आया था, चलिए फिलहाल मैं 71 ही ले लेता हूं, 1000 डिवाइड बाय प्रोवाइडेड 80 mm हमने प्रोवाइड किया था, तो इसका आंसर कितना आता है 14.08। तो इसमें से हमें पता चला कि जो रिक्वायर्ड डेप्थ है उससे डिफ्लेक्शन आपका ज्यादा आ रहा है जो प्रोवाइडेड डेप्थ आपने की हुई है। इसका मतलब दिस चेंज इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, क्यों? क्योंकि भाई प्रोवाइडेड जो है, जो हमने प्रोवाइड किया है स्लैब में डेप्थ, उससे हमारा रिफ्लेक्शन कम आ रहा है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड से। हमने एक्चुअली ये डेप्थ थोड़ी प्रोवाइड किया 71 mm, ये डेप्थ थोड़ी प्रोवाइड किया, हमने ये डेप्थ प्रोवाइड किया है, तो इससे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो कम है इसके कंपेरिजन में, इसीलिए ओके एंड सेफ। तो ऐसे हमने आई थिंक 3 या 4 चेक्स दे दिए। ये हमारा S1 स्लैब कंप्लीट हो गया, ऐसे ही हम S2 स्लैब को करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक ये भी लेक्चर हमारा लेंदी हो गया, पर कंसेप्ट समझ में आ चुके हो गए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप S2 को ट्राई कीजिए, तब तक मैं वीडियो अपलोड करने वाला ही हूँ, पर अगर आप खुद होकर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ओवर फ्रॉम माई साइड। Once again, I would like to please request you to please subscribe the channel and like the video. Thank you. Thank you so much.